न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। सैजनवा थाना क्षेत्र के कथरवल में अनियंत्रित होकर पलटा बालू लदा ट्रक, 7 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, 2 की हुई मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतक के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा। डीएम और एसएसपी ने सोमवार को किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। लगातार आ रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के यात्रियों की व्यवस्थाओं का लिया जायजा, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। प्रदेश के ग्राम विकास आयुक्त ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के दिए निर्देश, कहा सोशल डिस्टेंसिंग का हो पालन। खजनी थाना क्षेत्र के छपिया गांव के बाहर स्थित बागीचे में हत्या किए गए मजदूर की मिली लाश, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने किया दावा, जल्द होगा हत्या का खुलासा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर सोमवार को गोरखपुर पहुंचे 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से लगभग 8,000 श्रमिक। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए थर्मल स्कैनिंग के बाद परिवहन निगम की बसों से उनको गंतव्य को किया गया रवाना। सकुशल घर वापसी पर श्रमिकों ने योगी सरकार को दिया धन्यवाद। मंडलायुक्त व डीआईजी ने प्राथमिक विद्यालय पूरा डी व गीडा स्थित क्वारंटाइन सेंटर का किया निरीक्षण। निगरानी समिति के साथ बैठक कर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। प्रदेश की प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन पर की चर्चा, कहा कापियों के मूल्यांकन केंद्रों पर कराया जाए सैनिटाइजेशन। तीसरे चरण के लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद जिला चिकित्सालय में बढ़ी मरीजों की संख्या, अस्पताल में दिखाने पहुंच रहे मरीज लॉकडाउन की उड़ा रहे हैं धज्जियां, सोशल डिस्टेंस का नहीं हो रहा पालन। डीएम केवीएन पांडियन और एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने किया सूरजकुंड स्थित क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण, तैयारियों को पूरा करने के दिया निर्देश। ई पास के लिए एडीएम फाइनेंस कार्यालय पर लगी आवेदकों की भीड़, एडीएम एफआर ने कहा सभी जरूरतमंदों का बनेगा ई पास। पुलिस लाइन परिसर के पीछे बन रहे नाले का एसएसपी ने किया निरीक्षण, कहा नाले के साथ बनेगी समकक्ष नाली जिससे कॉलोनी वासियों को ना हो जल निकासी की दिक्कत। लॉकडाउन के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह एवं उनकी टीम को सेवा भारती मातृ मंडल ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में किया सम्मानित, कहा विषम परिस्थितियों में जनता की सेवा कर रही महिला पुलिस। एनसीसी 15वीं यूपी गर्ल्स बटालियन के तत्वाधान में एनसीसी कैडेट्स की छात्राओं द्वारा अपने हाथों से तैयार किए गए मास्क का मलिन बस्तियों में किया गया वितरण, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए किया गया जागरूक। और लॉकडाउन के तीसरे चरण में सोमवार को भी महानगर में दिखी चहल पहल, एडीएम सिटी ने लोगों से की अपील, अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें, रहें अपने घर में, रहें सुरक्षित।